एकदम फुल ब्राइटनेस के साथ में लाइट जल रही है। बट दोस्तों, हमको इससे सिर्फ लाइट ही थोड़ी ना जलाना है, हमको इससे मोटर भी चलाना है। अब मैं 775 मोटर लेके आ गया हूँ और इससे मोटर चला के देखता हूँ कैसा काम करती है। दोस्तों, ये मोटर लगभग 3 एम्पीयर करंट लेती है चलते टाइम, तो हमारी बैटरी से ये मोटर काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है फुल RPM के साथ में। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, मैं इस तरीके की पुरानी लैपटॉप की बैटरी ले आया हूँ। इस बैटरी के अंदर टोटल 6 सेल निकलते हैं। कुछ सेल मैंने और बैटरियों में से निकाल लिए हैं। अब इसको तोड़ते हैं जल्दी से और इसके सेल निकालते हैं। दोस्तों, इसकी बॉडी का हमको कोई काम नहीं है, तो इसकी बॉडी को प्लायर की मदद से तोड़ देंगे और इसके सेल निकाल लेंगे। तो दोस्तों, मैं इसकी बॉडी को तोड़ता हूँ फटाफट से और सेल निकाल के आपके सामने लेके आता हूँ। तो दोस्तों, मैंने सेल निकाल लिए हैं, इनको जल्दी से अलग कर लेते हैं। दोस्तों, मार्केट में एक और तरीके की बैटरी आती है, उसके अंदर 4 सेल निकलते हैं, वो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसके अंदर 6 सेल निकलते हैं, उसमें 4 निकलते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके की बैटरी आती है, इसमें 4 सेल निकलते हैं, ज़्यादातर ख़राब निकलते हैं। दोस्तों, मैं कई बैटरी लेके आया था, लगभग ख़राब ही निकली हैं और इसमें तो एक भी सेल ठीक नहीं निकला। तो इस बैटरी को लाने से बचे, जो नीचे रखी है उस तरीके की बैटरी लेके आइए, उसमें एक दो ख़राब निकल आते हैं, बल्कि 4-5 ठीक निकल आते हैं, हमारा काम हो जाता है। दोस्तों, मैं जल्दी से इन सेलों को अलग कर लूँगा। सेल अलग करते टाइम आपको इतना ध्यान रखना है शॉर्ट सर्किट ना हो, नहीं तो आग भी लग सकती है। दोस्तों, ये बैटरी काफ़ी सेंसिटिव होती है। तो मैंने सेलों को अलग कर लिया है, अब सेलों को चेक कर लेते हैं। तो मैं अपना मल्टीमीटर लेके आता हूँ और दोस्तों, जल्दी से देख लेते हैं कौन सा सेल ठीक है, हमारे काम का है, और कौन सा ख़राब है। मल्टीमीटर को मैं 20 वोल्ट DC पे सेट करता हूँ और जल्दी जल्दी सेलों को चेक कर लेता हूँ। अरे, ये तो हमारा पहला सेल ही ख़राब निकला है। कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं। 3.7 ये ठीक है, ये भी ख़राब है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है। तो दोस्तों, हमारे 4 सेल इसके अंदर से निकल आए हैं, 2 सेल ख़राब निकला है, उनको हम फेंक देते हैं और इनका यूज़ करके जल्दी से बैटरी बनाते हैं। ये मैंने कुछ सेल पहले ही निकाल के रख लिए थे। दोस्तों, मैं सबको तोड़ तोड़ के अगर आपको दिखाता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, आप देखते भी नहीं, इसीलिए मैंने दोस्तों पहले ही निकाल के रख लिए और एक आपके सामने तोड़ के दिखा दिए कैसे तोड़ना है, कैसे सेल निकालना है, कैसे उनको अलग करना है। अब दोस्तों, इन बैटरीज़ को जल्दी से सेलो टेप की मदद से चिपका लेते हैं। उसके बाद में हमको इसके कनेक्शन भी करना है। दोस्तों, इनके कनेक्शन करने के लिए एक निकल स्ट्रिप आती है, लेकिन उसको लगाने के लिए स्पॉट वेल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, वो तो अभी अपने पास है नहीं, तो इसीलिए मैंने कॉपर के वायर ले लिए हैं, उससे सोल्डरिंग करके कनेक्शंस कर देंगे इसके। दोस्तों, मैंने बैटरी को सेलो टेप की मदद से चिपका लिया है। अभी थोड़ी ढीली है, कनेक्शन होने के बाद में एकदम टाइट हो जाएगी, कहीं जाने वाली नहीं है। देखिए, मैंने 3-3 का एक साइड बना लिया है, नेगेटिव नेगेटिव एक साइड, पॉजिटिव पॉजिटिव एक साइड। मैंने इस तरीके कॉपर के वायर ले लिए हैं, जिसका यूज़ करके हम कनेक्शन करने वाले हैं। दोस्तों, जल्दी से कनेक्शन कर लेते हैं। वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आपका टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो। दोस्तों, मैं वीडियो को छोटी रखने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको बोरियत महसूस ना हो। दोस्तों, पहले हम इन बैटरीज़ को पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं। पैरेलल मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव एक साइड, नेगेटिव नेगेटिव एक साइड। उसके बाद हमको इसमें सीरीज़ में कनेक्ट करना है। सीरीज़ का मतलब दोस्तों, एक बैटरी का नेगेटिव और दूसरी बैटरी का पॉजिटिव। देखिए दोस्तों, पैरेलल में मैंने बैटरी इसको कनेक्ट कर लिया है। अब जल्दी से इसको सीरीज में भी कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों, मैंने छोटे छोटे वायर कट करके पहले ही रख लिए हैं ताकि बाद में ज़्यादा टाइम ना लगे। देखिए, मैं सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, काफ़ी इजी होता है इस बैटरी को बनाना, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कनेक्शन समझ में आ जाएंगे, पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा। देखिए दोस्तों, इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट करना है आपको। पैरेलल कनेक्ट करना तो मैंने बता दिया, सीरीज में देख लीजिए ऐसे कनेक्ट करना है।
देखिए दोस्तों, मैंने सारी बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट कर लिया है, तो इसके वोल्टेज चेक करके देखते हैं अब ये कितने वोल्टेज दे रही है। इसमें BSMS लगाने से पहले हम इसके वोल्टेज को चेक करके देख लेंगे। देखिए दोस्तों, 11.31 वोल्टेज दे रही है ये। एक बार और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, लगभग 12 वोल्ट के आसपास है, तो 12 वोल्ट से चलने वाली हर वो चीज़ इससे चल जाएगी। दोस्तों 9 बज रहे हैं और मेरे पास में इतना सा सोल्डर बचा है, तो थोड़ा थोड़ा सोल्डर लगाना पड़ेगा। ख़त्म हो गया तो बैटरी आधी बनी रह जाएगी। ये देखिए दोस्तों, मैंने BMS ले लिया है। दोस्तों ये भी BMS मैंने Amazon से परचेज़ किया था। दोस्तों जो भी सामान मैं इस वीडियो में यूज़ कर रहा हूँ, उसका सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको सामान चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके सामान खरीद सकते हैं। ये 25 एम्पियर का BMS है दोस्तों, आप छोटा भी लगा सकते हैं, 10 एम्पियर का आता है वो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने बड़ा ले लिया है ताकि दोस्तों मैं इसमें बाद में सेल बढ़ा लूँ तो कोई प्रॉब्लम मुझे ना हो। मैंने डबल टेप की मदद से BMS को ऐसे लगा लिया है। दोस्तों BMS देख लीजिए, आपको ऐसे ही लगाना है। ऐसे लगाएंगे तो कनेक्शन काफ़ी ईजी हो जाएंगे। देखिए B0 के ऊपर बैटरी का माइनस लगाना है। और दोस्तों BMS के ऊपर सारे कनेक्शन लिखे होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी अगर आप वीडियो को एक बार अच्छे से देख लेंगे बिना स्किप किए, तो आपके सारे कनेक्शन समझ में आ जाएंगे। दोबारा कहीं कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों पॉजिटिव का कनेक्शन रह गया है, पॉजिटिव को भी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों बैटरी के ऊपर P+ और P- का एक सिंबल बना होता है, वहीं से हमको इस बैटरी की आउटपुट और इनपुट लेना है। मतलब हम यहाँ से इसकी आउटपुट भी ले सकते हैं और यहीं से इसको चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों मैंने इस तरीके का DC सॉकेट ले लिया है, इसको यहाँ लगा दूंगा P+ और P- के ऊपर। सॉकेट लगाने के बाद दोस्तों मैंने बैटरी को टेप से अच्छी तरह कवर कर दिया है ताकि पानी वानी इसके अंदर ना जाए और ख़राब ना हो। मैंने इस तरीके की एक लीड बना ली है दोस्तों, इससे आउटपुट लेने के लिए। इसी से आउटपुट भी ले लेंगे और चार्ज भी इसी से कर लेंगे। अब मैं दोबारा से आपको चेक करके दिखाता हूँ। मैंने फिर से अपनी 775 मोटर ले ली है, फिर चला के देखते हैं। देखिए कितना बढ़िया काम कर रही है। दोस्तों ये मोटर भी मैंने अमेजोन से ख़रीदी है, इसका लिंक भी मैं दे दूँगा। इस मोटर का यूज़ करके दोस्तों मैं ग्राइंडर बनाने वाला हूँ, बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें। तो दोस्तों अपनी बैटरी बन चुकी है, काफ़ी अच्छा काम कर रही है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर आपको मुझे बताना पड़ेगा कि डिसलाइक क्यों कर रहे हैं। दोस्तों ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।